ஒருவேளை சிக்கிட்டு ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಾಕಾರ ನೋಡು ಎರಡು ಇಂಚ್ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗಾರಿದೆ ಒಳಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಒಳಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದ ಫೋಟೋ ಕಂಡಿತ್ತು ಚಲ ಹಂಗ ಚಲ ಇನ್ ಬೈನ್ ಬೈನ್ ಚಲೋ ಪುರ್ರೆ ಪುರ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಏ ಬಾಬು ಎರಡು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಹಾಂ
हम चलाने पड़ता स्पीच स्टार्ट आगे हम होगा बा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में कारवार में भारतीय नौसेना का अत्यंत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीबर्ड का काम चल रहा है जिसकी महती आवश्यकता थी। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि
इस प्रोजेक्ट में देश की पहली सी लिफ्ट फैसिलिटी तैयार हो चुकी है जो अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी। जब प्रोजेक्ट सीबर्ट पूरा हो जाएगा तो कारवार रेवल बेस हिंद महासागर क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा रेवल बेस होगा और देश के समुद्री हितों की रक्षा करने में सक्षम होगा। मुझे अवगत कराया गया है कि कारवार में ही नौसेना की एकीकृत मेरीटाइम थिएटर कमांड का मुख्यालय स्थापित किए जाने की भी योजना है। इससे नौसेना को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। हमारे समुद्री पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और प्रगति के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री के विजन सागर को लगातार मजबूत करने में नौसेना अपनी बड़ी भूमिका निभा रही है। वर्ष 2021 को 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 4 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक पूरे देश में भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष भर कार्यक्रमों के आयोजन की योजना है और अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाएंगे। नौसेना ने भारतीय नौसेना लड़ाकू तैयार विश्वसनीयता और एकजुटता थीम पर नौसेना सप्ताह 2021 का आयोजन किया है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना के सशक्तिकरण हेतु अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर सेना को अत्यधिक सशक्त बनाया है। इसमें नौसेना का भी सशक्तिकरण हुआ है। मैं ये सब देखकर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं भारतीय नौसेना को, समस्त अधिकारियों को, कारवार नौसेना बेस को देश का सर्वश्रेष्ठ और उन्नत सैन्य प्रतिष्ठान में से एक बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इसी दिन सन 1971 में नौसेना के जंगी जहाजों ने कराची बंदरगाह पर हमला करके तबाही मचाई थी, जिसके फलस्वरूप जल्द ही युद्ध समाप्त हुआ और हमारे देश ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उस दिन से लेकर हर वर्ष हम नौसेना दिवस मनाते हैं और हर नौसैनिक यह प्रण लेता है कि वो और निडरता एवं साहस का परिचय देते हुए देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इस वर्ष का नौसेना दिवस और भी मान्य हो जाता है क्योंकि इस वर्ष देश 1971 की जीत का स्वर्णिम वर्ष मना रहा है। इसके चलते पूरे देश में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नौसेना दिवस की एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले स्वर्णिम विजय मशाल दिल्ली से चलकर कारवार आई थी और उसका प्रत्येक कारवार निवासी ने खुलकर स्वागत किया। इस वर्ष और भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जैसे कि बैंड कॉन्सर्ट्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, क्विज एंड ड्राइंग कॉम्पिटिशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड वेरियस सोशल सर्विस एक्टिविटीज। मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि हमारे इन सभी प्रयासों को आपका स्नेह मिला है। इससे पहले कि मैं माननीय राज्यपाल जी का यहां आने के लिए और आपको संबोधित करने के लिए आमंत्रित करूं, मैं आप सबको और खास तौर से कारवार शहर और उसके निवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमें खुले दिल से अपनाया
और हमारे इस समारोह में सम्मिलित होकर